ये मनुज रहा, और भाई ये डेडिकेशन चाहिए थी, ये मेरे से पहले पहुंच गए, बढ़िया। चलो आ जाओ अंदर चलते। तो आज जिम में कुशल हेलो करते भाई, और जो जो भी आया है हेलो कर। अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं, और आज इनको मैं ट्रेन करूँगा थोड़ा बहुत। चलो तो खैर कुशल और जो जो का कैमरे में आने का मन नहीं है अभी, हम मनोज और वहाँ करेंगे एक्सरसाइज। माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल नेक्स्ट व्लॉग्स। तो ऐसा है जिम नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा समझ कुछ भी। तीन चार जिम बदल चुका हूँ, मतलब ट्रायल ले चुका हूँ, और किसी जिम में कैसी एक्सरसाइज हुई, किसी जिम में कैसी हुई, किसी कोच ने कहा कि सुबह फ्रूट्स खाओ, किसी कोच ने कहा रात को खाओ, या फिर किसी कोच ने कहा कि रात को दूध पी के सो और पूरे दिन में 1.5 लीटर दूध पियो, और अभी किसी एक कोच ने बताया कि भाई आप अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो और कटिंग्स चाहते हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स कोई भी मत लो। तो मुझे सूट नहीं करा, तो मैं सोच रहा था कि मैं 5-6 साल से रनिंग कर रहा हूँ और जो मेरा मन आता है मैं वो खाता हूँ, तो मुझे अभी तक बॉडी बढ़िया है अपनी, कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रनिंग ही कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेस होगी वो वहाँ पर कर लेंगे। और पापा भी वैसे बोल रहे थे कि मत ज्वाइन कर जिम, क्या करेगा जिम ज्वाइन करके। तो मैं सोच रहा हूँ कि पापा का डिसीज़न ठीक था, और अब पापा को जाके बता देता हूँ कि पापा मैं जिम ज्वाइन नहीं कर रहा। तो आज मेरा कुछ मन भी कर रहा है बाहर का खाने का, क्योंकि 3-4 दिनों के मैंने इतनी मतलब अपने आप को वो कर रखा था, स्ट्रिक्ट बना रखा था कि बस अब तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाया मैं। तो मन बड़ा ख़राब है मेरा। तो अभी चलते हैं पापा के पास और बता देता हूँ कि पापा जिम ज्वाइन नहीं कर रहा, और मनुज के साथ कुछ खाने चलते हैं। चलो नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? तो मम्मी को बताया मैंने कि मम्मी मैं जिम नहीं जा रहा, और मम्मी बहुत खुश हुई, और मम्मी के चेहरे की खुशी अभी भी दिख रही है, और वो इसलिए क्योंकि मम्मी कहती कभी स्प्राउट्स खाने कभी दूध पीना है, घर की रोटी खा लेना ढंग से। तो हम बोला चलो ठीक है घर की रोटी खा लेंगे और रनिंग कर लेंगे। तो अभी पापा के पास चलते हैं और पापा को भी बता देते हैं। चलो पापा जी। हाँ पापा, आप मुझे कुछ कह रहे थे, तो मैंने आपकी बात मान ली। क्या गैस करो, याद नहीं है? मैं जिम नहीं लगा रहा, मेरे बस की बात नहीं है। बढ़िया काला चाट, अभी दे रहा हूँ काला चाट। ये है भाई अपना दोस्त है, ये हेलो करते भाई, क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, मैं भाई फेस जानता हूँ। तो चलो क्या सामान देना है यार? पापा ने भी कह दिया बढ़िया है जिम ना जा, लेकिन मैंने मनुज को बताई तो वो मुझसे गुस्सा हो गया थोड़ा सा। वो कह रहे कि क्या है कुछ नहीं है, थोड़े से रुपये लगने हैं, और सुबह घर पर खाली बैठे रहते हैं, थोड़ी बहुत जिम कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बोला चलो देखते हैं क्या सीन रहेगा, अभी कुछ नहीं पता। खैर वो आ रहा है बस, अभी मेरे पास थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ उसकी, फिर हम जाएंगे कुछ खाने। मेरा बड़ा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा आज तो ना, मतलब चटपटा। 3-4 दिन हो गए मैंने तो बस दही दूध पनीर और पता नहीं क्या क्या स्प्राउट्स फ्रूट्स, अच्छी बात है वो भी खाना, मेरे को टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था उनका भी, लेकिन कुछ फीका फीका सा लग रहा था। तो मैं सोचा आ रहा है तो मनोज आ रहा है उसके साथ जाके खा लेंगे। मनोज वाह क्या बात है, स्माइल कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। चल चला बाइक चला, स्प्लेंडर पे जा रहे हैं आज हम। चलो चले वाह, स्पेशल थाली 99। वैसे अमृतसरी फूड किचन पे आ गए हैं, तो चलते हैं अंदर। तो भैया ने वैसे बढ़िया सिस्टम बना दिया स्पेशल थाली का, शाही पनीर, दाल मखनी, छोले, चटनी, सैलेड, अचार, पता नहीं क्या क्या आता है, देखते हैं क्या क्या आता है। और आज कितने दिनों बाद खा, टेस्ट कैसा लगता है, मज़ा आ जाएगा। और ये मनुज भी ये कह रहे हैं एक ही थाली में से खा लेंगे, तो
खा लेंगे एक ही थाली में से, प्यार करते हैं एक थाली में से खाने में, ठीक है ओके। ऐसा है, इसमें ना 5 बटर रोटी आ गई और ये बात मेरे को मनोज ने बताई, और हम खाने तो आए थे कुलचे, लेकिन ये रोटी आई तो हमने ये वाली तो थाली कैंसिल ही कर दी, क्योंकि खाने तो कुलचे ही है, तो कुलचे का ऑर्डर दे दिया, अभी कुलचे आएंगे तो खाते हैं। तो भाई ये बढ़िया डाइट चल रही है लौंडे की, कल तो कह रहा था ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, यार क्या करूं, मन कह रहा है क्या करूं, मन क्या क्या हार गया यार, तू तो मक्खियां भी खा रही हैं तेरे साथ। वैसे दिन तो 2-3 ही हुए हैं, लेकिन खा के मजा इतना आ गया ना क्या बताऊं। और अभी रुपए वगैरह दे के चलते हैं, इस मनुज को कुछ काम है घर पे, बैग से खेल रहा है मेरे, उसको कुछ काम है और उसके बाद मुझे भी कुछ काम है, पहले जाना पड़ेगा वापस, फिर मार्केट की तरफ जाना है, तो अभी चलते हैं। तो आज फिर ऑटो मार्केट आना पड़ा, वही खराब रोड का सामना करना पड़ा, लेकिन पहुंच गए हैं और यहाँ से सामान लेके मार्केट में जाना है, तो आज बहुत सारे काम है, मैं वो काम कर लेता हूँ, उसके बाद दुकान पे मिलता हूँ आपसे। तो पहले सामान वगैरह ले लेते हैं, यहाँ पे सामान बहुत सारा पड़ा है, फिर चलते हैं शॉप। ये वाला बस ये हो गया एक काम, ये पहले किया था, ये दूसरा काम, अब तीसरी जगह चलते हैं। तो अब बस रह गया लास्ट काम, और फिर आज मैंने सोचा है कटिंग करवा लूँ, सोचा तो कल भी था लेकिन करवा नहीं पाया था, क्योंकि कल दुकान पे बैठा था तो बिजी था थोड़ा, तो आज करवाते हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ कुछ नया स्टाइल हो, तो देखता हूँ वहाँ जाके कि क्या कुछ नया मिलेगा आज, तो अभी पहले वो काम ख़त्म करते हैं और फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा कटिंग करवाने। पापा सामान ला दिया सारा और स्कूटी पे पड़ा, दीपक को बोल देना उतार देगा, दीपक सामान उतार लिया स्कूटी से, और पापा मैं कटिंग करवाने जाऊं और आज गंजा हो जाऊं, क्यों कटिंग करवा लो, चलो ठीक ठीक, पापा का सही है, पापा कह रहे हैं बाल छोटे भी करवा ले, और मैं कह रहा हूँ गंजा हो जाऊं, बोले गंजा नहीं हो ना, बाल छोटे करवाने, तो चलो देखते हैं वहाँ जाके क्या डिसीजन रहता है कि कैसे करवाने हैं, या फिर कुछ नया हेयर स्टाइल मिल जाए, तो देखते हैं वहाँ चल के। तो अभी मैं जाता हूँ कटिंग करवाने। वैसे बाल अभी भी ठीक लग रहे हैं, बट मेरे को थोड़े से बड़े लग रहे हैं, और गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसीलिए आ गए। और आज इसने पता नहीं ये थोड़ा सा हाल बदला सा हुआ है लोरियन का, क्योंकि कमेटी वाले आए थे और इन्होंने सामान थोड़ा सा हटवा दिया था, तो भी नीचे चलते हैं, कोई बात नहीं, अंदर तो बैठ रही है वो। भाई कैसे हो, कटिंग करते आ रहा और नया स्टाइल दे दे भाई बढ़िया सा। मैं सोच रहा हूँ आज है ना गंजा हो जाऊँ, तो हेयर कट करवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि परसों हम कहीं पे जा रहे हैं, मैं हिमांशु जग्गा शायद नहीं जाएगा, मनुज मैं और सचिन मित्रा तो हमें वहीं पे मिलेगा, और भरत भी जा रहा है मेरे साथ, तो उसके लिए करवाना ज़रूरी है क्योंकि बाल बहुत लंबे हो गए थे, तो अभी करवा लेते हैं, देखते हैं क्या हेयर स्टाइल आता है, भाई देगा मुझे आज बढ़िया सा हेयर कट। तो ये कटिंग करवाई है मैंने, वैसे मजाक कर रहा हूँ, ये कटिंग नहीं करवाई। ये कटिंग है परफेक्ट, वैसे ये वाला हेयर स्टाइल दिया है मैंने, मतलब उस भाई ने जिसने मेरी कटिंग की है, मुझे तो ठीक लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, और गंजा वंजा नहीं हुआ था वो, तो वैसे ही पिछले साल हुआ था मैं, तब मम्मी पापा ने मेरे को बहुत डांट मारी थी कि क्या ज़रूरत थी ऐसे बाल करवाने की और ये सब, तो अभी पापा जा रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट करने या फिर कुछ काम से,
तो मैं थोड़ी देर शॉप पे बैठता हूँ और उसके बाद मनोज के साथ चलते हैं जहाँ पर जाने को कह रहा है। तो मैं जा रहा था पर मेरे मौसा जी आगे, हेलो कर दो मौसा जी। हेलो। तो अभी पप्पू मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मनोज के पास। तो ये रहा मनोज और आज भाई का मन हो गया चाप खाने का, तो चलते हैं चाप खाने। चलो कैसे हो अंकल जी? बढ़िया। चाप बना दो बढ़िया सी। कौन सी बनाओगे आज? जो बोलोगे वही बना देंगे। भाई को खानी है, मेरे को तो थोड़ा सा कम ही खानी है। तो मैं कह रहा था मनोज को स्माइल कर ले थोड़ी सी। तो ये मेरे को कन्विंस कर चुका है कि कल जिम चल, और इसने मुझे ये बोला कि जिम कर ले और जो खाना है खा, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में। तो मैं सोच रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे जिम और लिमिट में खाएंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर। और अभी यहाँ से पैक करवा लिया है और उसके बाद हम जाएंगे, आज मेरे घर जाके ही खाएंगे। तो चलते हैं बस यहाँ से पैक करवा के।